वेलकम टू R2X2। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे एंड्रॉयड 9 पाई GCI रोम आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी Realme 2 Pro में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ऑफिशियल वर्ज़न है 2.0 एंड्रॉयड 9 पाई, रियल है, कुछ फेक नहीं है इसमें। मैं दिखाता हूँ आपको, और बहुत स्नैपी OS है, बहुत फ्लूड है। इसमें कलर वाइज ऐसा इतना स्लो नहीं है, बहुत फंक्शन मिलेंगे आपको इसमें कस्टमाइजेशन लाइक ऑक्सीजन OS, और जितनी भी 9.0 की इसमें जो भी फीचर्स दिए जाते हैं उसमें कुछ मिस नहीं है, वो सारे इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ, सबसे पहले आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी एक रूटेड फ़ोन की जिसमें TWRP इंस्टॉल हो। तो ये आप कहाँ से करेंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और फ्लैश कर लेना, क्योंकि वो हमें सबसे पहले चाहिए होगी फ्लैश करने के लिए। तो जो रिकवरी देख रहे हैं आप, तो हमको याद ही रिकवरी चाहिए। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट अपने फ़ोन का बैकअप ले लेना है पूरा, ठीक है, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो तो हम ब्रिक होता है तो हम रिस्टोर कर सकें। तो बैकअप इज़ नेसेसरी, तो आप पहले पूरा बैकअप ले लें फ़ोन का, अपना सिस्टम डेटा और पूरा कॉपी कर लेना है, किस में, मेमोरी कार्ड में अपने, तो वहाँ सेफ रहेगा आपका। तो मैंने बैकअप पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं HubOS को डाउनलोड करूँगा। तो आपको करना कहाँ से, मैंने लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। आपको क्या करना है, इसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है जब पूरा डाउनलोड हो जाए। तो एक्सट्रैक्ट करेंगे अपन, जो पूरा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब क्या करना है, अपने उसमें मेमोरी कार्ड में जाना, इस फाइल को कॉपी कर देना जो IMG फॉर्मेट में होगी, यानी सिस्टम फाइल अपन को कॉपी कर देनी है अपने मेमोरी कार्ड में, ठीक है। जो कॉपी हो रहा है हमारा, और ये डन हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे अपन, अब एक चीज़ और बची है, वो भी हम डाउनलोड कर लेंगे, वो है कैप्स, यानी प्ले स्टोर और गूगल की जो भी सर्विसेज रहती हैं वो आपको चाहिए होंगी। तो वो कैसे करना, ARM64 हमको 9.0 का ही करना है, आपको डिपेंड चाहिए, आपको जैसे चाहिए फुल करना फुल कर लेना, मुझे नैनो मेरे लिए काफ़ी है, तो मैं नैनो करूँगा। डाउनलोड पे क्लिक करना है, इसको भी डाउनलोड कर लेना, जब हमारे हमको अभी आगे फ्लैश करना है इसको, ठीक है। अब क्या करना है, अब पूरे ध्यान से देखना, पाइप में जाना है, इस पर क्लिक करना, कोई जल्दबाजी मत नहीं है, अपन को आराम से करना है, देख लेना अच्छे से करना है, ठीक है, ब्रिक नहीं होना चाहिए अपना फ़ोन। फैक्ट्री सेट करना है स्वाइप करके, ऐसे वीडियो में देखते आना। अब इंस्टॉल में जाना है, और वहाँ से इंस्टॉल इमेज पर क्लिक करना है, जो बॉटम पर आपको दिख रहा है कॉर्नर पर, वहाँ पर क्लिक करना है इंस्टॉल इमेज, ठीक है। तो जो आपकी जो सिस्टम इमेज फाइल है वो विजिबल हो जाएगी, यानी जो HubOS अपने डाउनलोड किया था तो वो विजिबल हो जाएगा। हाँ भाई, तो अब ये हमारी सिस्टम इमेज है, तो हम सिस्टम इमेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जो हमने क्लिक किया इस पर, अब इसको स्वाइप कर लेना है, स्वाइप से इंस्टॉल होगा। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में अपने गैप्स जो बचे थे वो भी इंस्टॉल कर लेंगे, यानी गूगल प्ले स्टोर और जो भी हमको सर्विस हमने डाउनलोड करी थी तो वो भी हमको इंस्टॉल करना है इसमें। स्वाइप से इसको भी इंस्टॉल करना है, सिंपल है, कोई जल्दबाजी नहीं करना, पूरा अच्छे से देख के करना होगा। रिबूट में जाना है, सिस्टम पर क्लिक कर देना है, तो वो रिबूट हो जाएगा आपका फ़ोन। जब आपका फ़ोन रिबूट हो गया है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दो दिक्कतें हैं, एक तो ब्राइटनेस का बग है, यानी लो ब्राइटनेस है, और एक वोल्टी का बग है, यानी वोल्टी से आप कॉल नहीं कर सकते यदि आपके पास जियो की सिम है तो, ठीक है। तो उसको भी फिक्स करने का मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो ध्यान से देखना है, बहुत ईजी है। तो अब क्या करना क्या है, सबसे पहले अपन को ये टैग पिल्लर डोर, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जिन्होंने इस चीज़ को सल्यूशन निकाल दिया, तो इस वेबसाइट पर आपको जाना है, उनका नाम यह है। तो यहाँ से आपको पूरा इसकी डिटेल स्टेप गाइड मिल जाएगी कैसे करना है, और जो बाकी के जो फिक्सेस बचे हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत मतलब जल्द ही आ जाएंगे, मतलब
कोशिश लगी, अगर नहीं हो पाते तो तब भी हम ट्राई तो करेंगे। हम ये सब आपके लिए कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर देना और चैनल को लाइक सब कर देना, और इनके भी वेबसाइट पे आपको अच्छे से कमेंट वगैरह और जो भी है इनके सोशल लिंक्स उसको फॉलो आपको करना है, ठीक है। तो हमें दो चीज़ें यहाँ से डाउनलोड करनी है, मैं इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ आप चले जाना, आपको डिटेल गाइड अच्छे से मिल जाएगी। तो दो चीज़ें हमको डाउनलोड करनी है, एक IMS APK, ये हमारा वोल्टिंग फिक्स करने में काम आएगा, और वोल्टी फिक्स को भी हम डाउनलोड करना है। तो यहाँ से हमको क्लिक पे, और इसको भी यहाँ पे क्लिक करके दोनों डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। जे इनके लिंक्स हैं सोशल वगैरह, तो शेयरिंग की तो आप कर लेना और लाइक मार देना, बहुत अच्छे काम करते हैं ये भी, बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है। अब क्या करना है नेक्स्ट, अपन को हमारा फ़ोन इनटू रिकवरिंग रिबूट कर देना है। फिर क्या करेंगे हम, जे अब जो वोल्टी फिक्स अपन ने जो डाउनलोड किया था, अब उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करना है, वोल्टी फिक्स पे क्लिक करना है, स्वाइप करके इंस्टॉल कर देना है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, रिबूट कर देना है सिस्टम को, वाइप कैश कर देना है। अब रिबूट करना है, ये हमारा कंप्लीट रिबूट हो गया है। तो अब हम फ़ोन में अब जाएंगे, और जहाँ हमने वो IMS APK डाउनलोड किया था, उसको अब इंस्टॉल करना है केवल बस। तो हमारा वोल्टी इनेबल हो जाएगा, जिससे आप कॉल कर सकते हैं अपने जियो की सिम से, और अदर जो भी वोल्टी प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। IMS APK जो डाउनलोड किया था, सिंपली बस वही इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल और ये डन। अब देख लीजिए HD का आइकॉन आपके ऊपर स्टेटस बार में आ चुका है, यानी आपका वोल्टी इनेबल हो गया, तो आप कॉल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा एक दिक्कत और जो थी, वो था ब्राइटनेस का वक्त। वो भी हमको क्या करना है, यहाँ से कमांड है, तो वो पहले हम कॉपी कर लेनी है। पहले हम टर्मिनल डाउनलोड करेंगे, मैं टर्मक्स यूज़ करता हूँ, तो मैं वो डाउनलोड करूँगा, उसको ओपन कर लेना है। और पहले हमें सुपरवाइजर की परमिशन ग्रांट करानी, तो SU इंटर करना है, तो ग्रांट कर देना परमिशन। फिर हमको जो कमांड थी जो techbuilder.com पे, तो वहाँ से उस कमांड को कॉपी कर लेना है। जी जो मैं देख रहा है उसी को कॉपी करते जाना है, बस सिंपल। सिंपली कॉपी करना है, और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, और इंटर कर देना। उसके बाद इंटर करके एक बार फ़ोन रिबूट कर देना, आपका ब्राइटनेस बग भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं इस पर अभी रोम का भी काम करूँगा, तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलना ही मत, ठीक है। थैंक यू। और भी चीज़ें आएंगी अभी, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो। बाय, टेक केयर।